ये चाहते थे दिखाना कि ये इलेक्शन हम किसी कमजोर पोजीशन से नहीं लड़ रहे, ताकत की पोजीशन से लड़ रहे। मेरे यहाँ दो सीटों से लड़ना ये कमजोरी का ये सबूत नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। क्योंकि अगर खतरा होता तो शायद मेरे साथी मुझे यहाँ से लड़ने की इजाजत नहीं देते, लेकिन इनका मुझे यहाँ से इलेक्शन लड़वाना वो इस बात का सबूत है कि चाहे बारामूला हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे अनंतनाग हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में आज एक हवा चल रही है और उम्मीद करते हैं कि जब वोट गिने जाएंगे तो कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे होगी और जहाँ जहाँ हमारे अलायंस के साथी हैं वो कामयाब होंगे। हमने मंशूर के तहत पहले ही कहा है कि जो फैसले यहाँ लिए गए हैं असेंबली के जरिए हम दुनिया को बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उन फैसलों के हक में नहीं है। जहाँ तक पिछले 5-6 साल जो मिस गवर्नेंस का दौर रहा है, जो करप्शन के एलिगेशंस रहे हैं, जो सीनियर आईएएस अफसरों के तरफ से इल्ज़ाम लगे हैं, उन सब पे जांच होगी और अगर कहीं पर भी कोई कोताही रही, कोई कमी रही, कोई लोगों के साथ धोखा हुआ तो उसका हिसाब किताब बराबर किया। मालूम था ये होगा। किसी भी पार्टी में इलेक्शन के दौरान आप 100% लोगों को खुश नहीं कर सकते हो। मैं तो अपनी जगह इस बात से मुतमईन हूँ कि हमारे यहाँ डिसेंशंस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक्सपेक्टेशन से कम रहे, और जहाँ जहाँ मेरे साथियों ने अपना जो उनका जो उनकी जो ख्वाहिश थी इलेक्शन लड़ने की उसको एक तरफ रख के जमात और अलायंस की कामयाबी के लिए वो मैदान में उतरे हैं, मेरे लिए उनके लिए अल्फाज नहीं हैं और मेरी जो उनके लिए इज्जत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन मुझे इस बात का भी एहसास है कि कुछ लोगों ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सामने रखा। चलिए वोटर वहाँ खुद फैसला करेगा तो होगा ही। कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नक्शे बदले गए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो मेकअप है उसका शायद कश्मीर में असर कम, लेकिन जम्मू में उसका अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हमेशा से मुस्लिम मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज रही हैं वहाँ पे तब्दीलियाँ और बदलाव करके उनको बीजेपी के लिए जो है वहाँ फायदेमंद कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने की कोशिश की गई। अब कहाँ तक बीजेपी कामयाब होगी उसके लिए हमें देखना होगा। हम भी अब उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़ चढ़ के लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, क्योंकि कम से कम मीडिया के तरफ से जो वक्तन फवक्तन ये शोशा डाला गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी जो है वो सिर्फ बॉयकॉट में कामयाब होती है, इस बार तो कोई बॉयकॉट नहीं है। पार्लियामेंट में भी कोई बॉयकॉट नहीं था, हम 3 में से 2 सीटों पे कामयाब हुए। इंशाल्लाह इस बार भी बॉयकॉट नहीं होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी का क्या बात है। बाकी रियासतों में तो आप इस तरह का नहीं करते हो। मुझे ना चलिए आप बाकी मुल्क छोड़ दीजिए, तो मुझे लद्दाख में किसी नॉन लोकल को कॉन्ट्रैक्ट दे के दिखा दीजिए। लद्दाख के लिए कानून आज अलग है और जम्मू कश्मीर के लिए अलग। हालांकि हम एक ही रियासत से पैदा हुए, एक ही सरकारी ऑर्डर से हम दोनों की यूटियां बनी, लेकिन उनके लिए कानून अलग, हमारे लिए कानून अलग। वहां बाशिंदा बाहर का जमीन ले नहीं सकता, कारोबार कर नहीं सकता, ठेके ले नहीं सकता, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं। आखिरकार जो किया गया था वो ये कह के किया गया था कि हम जम्मू कश्मीर को बाकी मुल्क के बराबरी पर लाना चाहते हैं, साथ हमारी बराबरी नहीं कर सके, बाकी मुल्क तो दूर की बात। और वैसे भी हमारा हक है ना, पानी हमारा, जमीन है हमारी, रिसोर्सेज हमारे, हमारा क्यों होना चाहिए। आपने ग्राउंड असेसमेंट की बात की ना, ग्राउंड हमारे हक में है, लेकिन हम उन बेवकूफ में से नहीं है जो 400 पार की बात करें और फिर सिर्फ 240 पे अपनी गाड़ी रोकें। मुझे उम्मीद है कि जब वोट गिने जाएंगे तो जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे अलायंस एंड हु विल बेनिफिट फ्रॉम देयर फाइटिंग। आई थिंक इट्स अ बिट रिच ऑफ राम माधव साहब टू से the national conference is taking benefit from ex-militants. Show us where. The campaign has only just started. I'm sure he has access to all the intelligence reports. There is not a single function of ours that is not monitored by the IB and the CID and all the other agencies. All the videos are there. Please show us where we're taking advantage of militants and surrendered militants. I was under the impression that as a result of what Delhi did, that these people were rendered neutral.
that they had no more say. Clearly, Ram Madhav is suggesting that these people actually hold power over what voters will decide, which then would suggest that everything they have done after 5th August 2019 has been for nothing.